अभी अपना यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, वर्क एंड एनर्जी। इस लेसन का नेक्स्ट कंसेप्ट है यूनिट ऑफ वर्क। ओके, प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि वर्क कब होता है। ओके, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स एंड इट कॉज द डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज हैपनिंग। ओके, हम लोगों ने जीरो देखा वर्क, निगेटिव वर्क देखा, पॉजिटिव वर्क देखा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या है? इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। क्या यूनिट है? न्यूटन मीटर, एन एम। न्यूटन का सिंबल क्या है? एन। मीटर का क्या है? एम। न्यूटन मीटर, और इसको न्यूटन मीटर को और भी एक नाम है, न्यूटन मीटर को और एक नाम है जूल। ओके, तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, या फिर उसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं उसको? जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच? ओके, 1 जूल का डेफिनेशन क्या है? इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अगर हम लोग फोर्स कितना अप्लाई करते हैं, 1 न्यूटन, डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट कितना दूर जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका? 1 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो 1 मीटर आगे जाएगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल, तब वो ऑब्जेक्ट कितना काम करेगा? 1 जूल इतना काम करेगा। कितना काम करेगा? 1 जूल। सिंपल है, 1 जूल यानी क्या? फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1 न्यूटन। तो वर्क डन कितना हो गया? 1 जूल, यानी वर्क डन क्या हो गया? 1 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इज इक्वल टू क्या है? 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, यानी क्या? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, या फिर 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। ओके, ये दोनों सेम है, देखो बीच में इक्वल टू है, ये दोनों क्या है? सेम ही है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ वर्क, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज डाई। एसआई में देखा हम लोगों ने, अभी यहां पे क्या है? डाई। सीजीएस सिस्टम में क्या है? यूनिट ऑफ वर्क इज डाई, डाई सेंटीमीटर। ओके, सॉरी, यूनिट ऑफ वर्क इज इन सीजीएस सिस्टम इज डाई सेंटीमीटर। इसको और एक नाम, जैसे वहां पे न्यूटन मीटर था उसको जूल नाम था, यहां पे डाई सेंटीमीटर को और एक नाम है अर्थ। क्या नाम है? अर्थ, ईआरजी, अर्थ। ओके, अभी वन अर्थ का डेफिनेशन क्या है? अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे, वन जूल एंड वन अर्थ का, वो साइमल्टेनियसली पढ़ो, डेफिनेशन दोनों का सेम है, सिर्फ थोड़े थोड़े वर्ड्स चेंज है। ओके, डेफिनेशन सेम है, पूरा वर्डिंग सेम है, कुछ जगह पे थोड़े वर्ड चेंजेस है। क्या चेंजेस है? वहां पे वन, यहाँ पे वन डाइन है। ओके, वन डाइन फोर्स क्या है? वन डाइन, वहां पे था 1 न्यूटन, वहां पे 1 न्यूटन, बाकी सेंटेंस सेम है, सिर्फ यहां पे देखो, वहां पे 1 न्यूटन था, यहां पे 1 डाइन। ओके, वहां पे डिस्प्लेसमेंट था 1 मीटर, यहां पे देखो 1 सेंटीमीटर, बाकी सेंटेंस फ्रेमिंग सेम ही है, सिर्फ यहां पे चेंजेस है, 1 न्यूटन 1 डाइन, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, वहां पे 1 जूल था, यहां पे देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज, और वहां पे 1 जूल था, यहां पे 1 अर्थ। ओके, तो ये डेफिनेशन सेम है, सिर्फ ये वाला और ये वाला टर्म थोड़ा चेंज होता है, बाकी डेफिनेशन सेम है। ओके, तो 1 अर्थ इज इक्वल टू 1 डाइन इनटू 1 सेंटीमीटर। रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्थ, जूल एंड अर्थ के बीच में क्या डेफिनेशन है? 1 जूल, ओके, जूल बड़ा रहता है, इज इक्वल टू 10^7 अर्थ। ओके, ये आपको फिलअप्स में आ सकता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्थ, यानी 1 जूल, जूल बड़ा यूनिट है, किससे? अर्थ से। ओके, ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम का यूनिट हमेशा बड़ा रहता है, सीजे सिस्टम का यूनिट छोटा रहता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज जीरो, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, मगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन से नहीं देखा। अभी यहां पे देखते हैं पॉजिटिव वर्क है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, या फिर फोर्स
डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव वर्क। क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव। तो थीटा जीरो रहता है, थीटा क्या रहता है, जीरो। नेक्स्ट, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, तो उसको बोलते हैं द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, तब थीटा रहता है 180 डिग्री, थीटा रहता है 180, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट। नेक्स्ट है जीरो, जीरो कब होता है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो भी जीरो वर्क होता है। और कब होता है, व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं तब भी जो वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो। तो जीरो वर्क दो टाइम पे होता है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है जीरो, या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। ये आपके एग्जाम में आता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो। अभी जीरो वर्क कब होता है वो हम लोगों ने, मैंने बोला था कि हम लोग आगे जाके सीखेंगे, ओके, ये देखो यहां पे एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, ओके, तो अपना ये अर्थ है उसके अराउंड कौन घूमता है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमता है, ओके, ये रेडियस होता है, ये क्या हो गया, सपोज ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसा दिखा था, ये रेडियस होता है बिटवीन अर्थ एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या दिया है, as the gravitational force acting on the satellite, इस satellite के ऊपर अर्थ का gravitational force act हो रहा है, वो act हो रहा है ऐसा, उसको इधर खींचेगा towards the earth, तो ऐसा है, तो force ऐसा है, okay, along the radius of the circle and its displacement along the tangent of the circle, मगर इसका displacement कैसा है, देखो इसका displacement ऐसा circular बात है मगर वो actual ऐसा है, अगर ये force चला गया तो इसका displacement ऐसा होगा, वो इधर चला जाएगा, ये हम लोगों ने प्रीवियसली सीखा है, ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसा होगा, तो यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी वो क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, तो वर्क जो होता है एक्चुअल वर्क वो क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका या आर्टिफिशियल सैटेलाइट का वर्क क्या हो गया, जीरो, ओके, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर, उसके वजह से जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है जीरो, बिकॉज़ दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके, कौन कौन इसके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन इज जीरो, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। अभी यहाँ पे हम लोग को एक सर्टन पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये देखो ये कप है, यहाँ पे नट है, आयरन का नट है, ओके, उसको एक सर्टन वेट रहता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में ऐसा बैरियर रखा है, ओके, बीच में स्केल रखा है, ऐसा आप लोग कंसीडर करते हैं, बड़ा सा स्केल, ओके, ट्रायंगुलर शेप का स्केल रखा है, ओके, यानी स्पीड वेक्टर रखा है, ऐसा आप लोग उसको कंसीडर करते हैं, बाकी सब सेम, कप है और यहाँ पे एक नट है, इसको कप को एक टाई किया हुआ है, थ्रेड कंटिन्यू है, यहाँ पे देखो थर्ड पिक्चर में देखो दोनों बाजू में सेम नट अटैच किए, दोनों बाजू में कप को सेम नट अटैच किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम वेट का नट अटैच है, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट भी क्या दिख रहा है, फिगर ए, व्हाई डज द कप गेट पुल, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कप इस डायरेक्शन में पुल होगा, क्यों, द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टेबल, ओके, कप, ओके, अभी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये नट किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस कप के ऊपर, अभी इसका फोर्स इसके वेट से और इस कप एंड ये जो टेबल है इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ज्यादा है,
इस नट का वेट यानी कि इसका फोर्स इस कप से, कप के फोर्स से या फिर कप एंड टेबल सरफेस के फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा, इसके लिए ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये यहां पे चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन द फिगर बी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड द फोर्स अप्लाइड थ्रू द रूलर, ये देखो ये रूलर एंड कप, इसमें क्या है, ओके, देयर डायरेक्शन आर अपोजिट, देखो इस नट के वजह से, इसके फोर्स के वजह से कप किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, मगर ये जो रूलर है इस कप को फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एंड ये रूलर के फोर्स का डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है अपोजिट है। राइट, नेक्स्ट में क्या है, इन द फिगर सी व्हाई डजंट द कप गेट डिस्प्लेस, यहां पे कप इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसमें इसमें क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसको ये अपोज भी कर रहा है, यहां पे कप में कुछ भी चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है, ना उसका इधर डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसका उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे और यहां पे सेम वेट का नट है, यानी दोनों जगह पे फोर्स क्या है सेम, अगर फोर्स यहां पे सेम है दोनों का तो एक्चुअल फोर्स नील हो जाता है और इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता। देखो द नेट फोर्स ऑन द कप इज जीरो, तो इसका नेट फोर्स जो है वो जीरो हो गया, क्यों, यहां पे भी सेम है यहां पे भी सेम है, यहां पे 10 यहां पे 10, 10 माइनस 10 क्या हो गया जीरो, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स जीरो, इसके लिए इसका क्या नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। What is the type of work done in figure A, B and C? Figure A में देखो, जिस direction में force apply हो रहा था, उसी direction में displacement, तो वो positive। B में क्या हो रहा था? कब इधर जा रहा था, मगर ruler का force इस तरफ था, तो opposite direction, यानी B में जो work done हो रहा है, वो negative। C में displacement हो ही नहीं रहा है, तो C में work done क्या हो गया? Zero। Okay? आगे, in the three actions above, what is the relationship between the applied force and the displacement? तीनों activity से क्या पता चलता है? Relationship between force and displacement क्या पता चलता है? Unbalanced force causes the displacement in the body. Okay? Body के अंदर, object के अंदर displacement कब आता है? जब उसके ऊपर unbalanced force act होता है. Same force act होता है तो displacement नहीं. कौन से फिगर 3 में देखो, यहां पे एक नट है यहां पे एक नट है, ओके, ये कप है, इस कप के ऊपर दोनों बाजू से सेम फोर्स एक्ट हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, नहीं, वो वैसे के वैसे ही, ओके, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए इन दोनों बाजू का जो फोर्स होना चाहिए, बोथ द साइड का फोर्स, वो अनबैलेंस होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, यानी ये अगर 5 रहेगा और ये 10 रहेगा तो ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये किधर खींचा चला आएगा, इधर खींचा चला, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है इधर देखो ये 10, ओके, तो ये इधर पीछे चला गया, तो ये फोर्स हो गया अनबैलेंस, दोनों बाजू में सेम है तो बैलेंस, डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो ये सेम फोर्स डज नॉट कॉज डिस्प्लेसमेंट, अनबैलेंस फोर्स कॉज द डिस्प्लेसमेंट, ओके।